तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये है फ्रिज का कूलिंग कॉइल। और ये कूलिंग कॉइल कब खराब होता है? जब आपके फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा होता है और वो बर्फ़ निकालने के चक्कर में आप चाकू या छुरे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके फ्रिज में होल हो जाता है। और वो होल जो है आपका परमानेंट इलाज नहीं होता है, इसलिए हमको फ्रीजर को चेंज करना होता है। तो इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या स्टेप होता है इसको चेंज करने का। और ख़ास करके कारीगर भाई को ध्यान देना है कि अगर जो आप कूलिंग कॉइल चेंज करते हो तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होती है, ताकि आपके फ्रिज में जो है चोकिंग का प्रॉब्लम ना आए और गैस का भी और लीकेज का भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यही वो फ्रिज है, व्हर्लपूल कंपनी का फ्रिज है। और यहाँ पर इसका डेट दिखा देता हूँ, 2021 का है। अभी ये लगभग 3 या 4 साल का हुआ है, लेकिन इसमें जो है अभी फ्रिज देखिए, फ्रिज का कंडीशन एकदम चकाचक है, नया जैसा एकदम। तो अभी यहाँ पे इसका दरवाज़ा खोल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे चाकू जो है इन्होंने बर्फ निकालने के चक्कर में लगाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होल दिख रहा है आपको, और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला होल जो है ये दिख रहा है, यही होल जो है होने की वजह से सारा गैस जो है इसका बाहर आ चुका है। और यहाँ पर भी थोड़ा लगा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकला है। तो अब जो हमको क्या करना है, ये फ्रीज़र को पूरा चेंज करना है। और इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ हमको खास करके ध्यान रखना है दोस्तों, सब चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो ये होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका जो पानी का ट्रे होता है इसको हमको बाहर निकाल लेना है। ये वाला जो ट्रे है, ये ट्रे बाहर निकालने के बाद जो है इसका पानी हमको बाहर फेंक देना है। और अब हमको जो है इसमें दो काम करना है। सर्वप्रथम आपको कोई भी फ्रिज में अगर जो चाकू लगा है, तो आपको दो सर्वप्रथम काम करना होगा। एक जहां से हम गैस भरते हैं, जिसको हम चार्जिंग लाइन बोलते हैं, वहां से कंपनी द्वारा सील्ड किया होता है, उसको हमको काटना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट यहां पे इसको काट लेते हैं, और आगे क्या प्रोसेस करना है ये भी आपको बता देता हूँ आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है ये वाल जो है वो कट कर रेडी हो चुका है। और देखिए, बहुत ही स्मूथ तरीके से कट चुका है। अब हमको क्या करना है, अब जो हमारा फिल्टर वाला पोर्शन है, जहाँ पे हमारा कंडेंसर का लास्ट लाइन आता है, यहाँ से हमको फिल्टर को भी काट लेना है। और फिल्टर काटने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, इस कंप्रेसर का जो प्रेशर होता है ना, उसको चेक करना है। वो किस तरीके से चेक करते हैं ये आपको बता देता हूँ, पहले इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है फिल्टर वो कट चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिल्टर काट दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सक्शन लाइन खुल चुका है और हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन भी खुल चुका है। इससे क्या होगा, हमारे फ्रिज का जो प्रेशर है, जो हमारे कंप्रेसर का प्रेशर, ऐसे सिचुएशन में क्या, हमारा कंप्रेसर का जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है, इसका पंपिंग जो है वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रेशर इसका चेक करेंगे। तो अभी तक हमने चेक किया कि हमारे फ्रिज का जो प्रेशर है वो ओके है। तो यहाँ पे हम कैपिलरी को तोड़ लेते हैं, क्योंकि बाद में हमको इसको फ्रेश करके इसके अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे हमने कैपिलरी को तोड़ दिया, और यहाँ पे अब जो है हम कूलिंग कॉइल के जो अपना रिटर्न साइड होता है, जिसको हम सक्शन साइड बोलते हैं, उसको काट लेते हैं और कूलिंग कॉइल को निकालेंगे। तो किस तरीके से प्रोसेस होता है सारा, तो वीडियो में देखिएगा आप। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो सक्शन लाइन है वो कट कर रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जो हमारा कूलिंग कॉइल का पाइप होता है इसको बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए हमको कंडेंसर का जो क्लैंप है उसको थोड़ा कंडेंसर से डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है और क्लैंप के बीचों बीच जो है हमारा ये पाइप गया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्लैंप को थोड़ा सा चौड़ा करेंगे कंडेंसर को, उसके बाद इसके अंदर से हम पाइप को निकाल देंगे। इसी तरह दोनों साइड हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने निकाल दिया है। अब जो हम केबल टाई को भी काट कर ये जो स्लीव है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्लीव जो है, जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक ये हमारा कूलिंग कॉइल का जो पाइप है वो अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काट लेंगे पकड़ से। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, ये स्लीव हमको दोबारा इसी पाइप में लगाना है, क्योंकि हम जब नया इसमें कूलिंग कॉइल डालेंगे एवापोरेटर, तो इसके अंदर हम स्लीव को वापस से डालेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने पीछे से खोल दिया। अब जो सारा प्रोसेस होता है अब वो होगा आगे। तो चलिए फटाफट आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं आगे आपको क्या करना है।
सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कूलिंग कोयल है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ का जो कूलिंग कोयल का फ्रेम होता है, फ्रेम का नट जो है हम खोल लेंगे। और यहाँ पे नट खोलने के बाद बड़े ही सावधानी तरीके से आप फ्रेम को निकाल लेना है आपको। और यहाँ पे देखिए, कूलिंग कोयल में एक सेंसर लगा होता है, जो कि इसका नट जो है सड़ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं खुला है। और इसको आराम से खींचेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है पूरा बाहर आ चुका है। और यहाँ पे आपको एक बार फिर से स्पष्ट करा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये हमारा भी सेंसर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ, मतलब ये खुला हुआ नहीं है। तो इसको, ये ना जाम हो गया था, अब इसको ढीला करके हम इसका नट जो है वो खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नया कूलिंग कॉयल है जो व्हर्लपूल का ओरिजिनल है। दोस्तों याद रखिएगा, व्हर्लपूल में कभी भी कोई भी फ्रिज हो उसमें ओरिजिनली कूलिंग कॉयल डालिएगा, क्योंकि ओरिजिनल डालने से क्या होता है कि जो इसका प्रेशर होता है और जो इसका मतलब होल का डायमेंशन होता है बहुत ही परफेक्ट होता है, जिसकी वजह से चोकिंग की समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये होल जो है, यहाँ पे हमारा पीछे का जो पर्सन है वो इसके सहारे जो है लटकेगा। और यहाँ पे हम पहले इसको अंदर डाल लेंगे। यहाँ पे हम पहले, यहाँ जो होल दिख रहा है परफेक्टली, हम इसके अंदर ये हमारा जो बड़ा वाला पाइप है इसको डालेंगे, जहाँ से हमने पुराने वाले कूलिंग कॉयल का जो पाइप है वो निकाला था। चलिए फटाफट इसको डाल देते हैं। डालने के बाद जो है यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से एकदम मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। और पीछे दो हुक लगा हुआ होता है, उसमें हमको कूलिंग कॉयल को फंसा देना है। कूलिंग कॉयल को फंसाने के बाद हमको फ्रेम को अच्छी तरीके से बैठा लेना है और बारी बारी सभी स्क्रूओं को टाइट कर देना है। चलिए हम फटाफट टाइट करते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम दो स्क्रू को ही टाइट किए हैं और जो इसका फ्रेमिंग का है वो हमने टाइट नहीं किया है। इसको भी हम, सेंसर को भी बहुत बाद में लगाएंगे। चलिए अब गैस का काम जो है, हम सारा गैस का काम है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम बैक साइड पीछे का ले लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा कंडेंसर भी हिल रहा है, तो इसको भी हमको पैक करना है। उससे पहले जो है हमको इसके ऊपर का क्लिप लगाना है, क्योंकि बॉडी में अगर जो टच होके किसी दिन ये लीकेज कर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये सेफ्टी कवर दिया रहता है बॉडी में लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सेफ्टी कवर को लगा लेते हैं। ये हमारा सेफ्टी कवर लग चुका है। अब जो है हम पाइप को सीधा करके इसमें जो है स्लीव डाल देंगे। स्लीव डालने के बाद इसको जो है कम्प्लीट तरीके से कंडेंसर के नीचे बैठाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा पहले था वैसे ही हो गया है सब कुछ। अब यहाँ पे जो है हमारा इसको कनेक्शन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देने से पहले हमको ये जो पाइप हमने काटा था इसको गर्म करके निकाल देना है। और यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से घस करके फिल्टर को लगाना है और वाल को भी यहाँ पे लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम वाल को ही लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिटर्न वाला पाइप है इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने दूर से काटा था और इसमें 600 नंबर का गैस है, तो सावधानियाँ भी बहुत ज़्यादा हमको बरतनी पड़ेगी। इससे पहले आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर जो आपका फ्रिज में ऑयल के अंदर पानी मिक्स हो गया है उसको किस तरीके से निकालते हैं, तो अभी दिखा देता हूँ आपको। और आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन सा फ़िल्टर है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास गोदरेज का फ़िल्टर है। यही फ़िल्टर हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर यूज करने के बाद फ्रिज में ज़्यादातर तकलीफें 95% हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम ये जो हम कर रहे हैं गर्म, यहाँ पे हम इसलिए गर्म कर रहे हैं क्योंकि जो ऑयल के अंदर पानी मिक्स होगा वो गर्म होकर बाहर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में देखिए, यहाँ पे बूंद बूंद और धुआं धुआं आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भाप बन के बाहर आ जा रहा है। तो चलिए आप फटाफट जो है सब कार्यों को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा ये NRV वाल है, इसको हम फिक्स करेंगे और वेल्डिंग कर देंगे अच्छे से। वेल्डिंग करने के बाद हमको प्रॉपर तरीके से इसको चेक करना है, हमारा वेल्डिंग लगा है या नहीं लगा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा जो है वेल्डिंग लगकर रेडी हो चुका है। अब बारी है फिल्टर का। चलिए फिल्टर को भी लगा कर इसको वेल्डिंग कर लेते हैं।
क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिल्टर का वेल्डिंग करते वक्त जो है वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सक्शन लाइन भी जो है इसको भी हम वेल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसको हम सेल्फ वैक्यूम भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको वैक्यूम भी करेंगे। तो इसे वैक्यूम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो डिस्चार्ज लाइन है सक्शन लाइन, उसको हमको अच्छे तरीके से वेल्ड करना होगा, तभी जाके हमारा सेल्फ वैक्यूम जो है क्लियर हो पाएगा। तो चलिए इसको भी वेल्डिंग कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद आप देख सकते हैं, इसको हम वायर को जो है लगा कर कंप्रेसर को चालू करेंगे और यहाँ जो पिन है इस NRV पिन, इसको अंदर हम लगाएंगे और यहाँ पे चार्जिंग पाइप भी लगा देंगे, ताकि जो हमारा वैक्यूम होए तो हमारे गेज में जो है वो पता लगे। चार्जिंग पिन जिस तरीके से हम खोलते हैं उसी तरीके से हमको टाइट कर देना है, आसानी होता है। और अब हम जो है स्टार्ट करके वैक्यूम करेंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो गेज रेडी हो चुका है लगकर, यहाँ पे जो है हमारा वैक्यूम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हम वैक्यूम करते हैं, ये वाला पोर्शन खुला हुआ है। अब इसको जो है हम अच्छे तरीके से वेल्ड करेंगे। इससे पहले वेल्ड करने से पहले हमको जो इसका आगे का जो पाइप है उसको पिंच करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से वेल्ड नहीं होगा। तो चलिए फटाफट इसको पिंच कर लेते हैं। पिंच करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम वेल्ड करेंगे, ताकि हमारा यहाँ से कोई लीकेज जो है वो ना रहे। तो यहाँ पे फटाफट हम इसको वेल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान रखना है आपको बहुत ही बारीकी तरीके से आपको वेल्ड कर। यहाँ पे देखिए हमने अपना मेन वैक्यूम जो है वो भी चालू करके रख दिया है और यहाँ पे हम उस वैक्यूम से भी अच्छी तरीके से पूरे फ्रिज को वैक्यूम करेंगे, क्योंकि जब भी हम कूलिंग कॉइल को चेंज करते हैं तो वैक्यूम इसमें बहुत अहम भूमिका जो है निभाती है, जिसके लिए हमको बहुत अच्छी तरीके से इसमें वैक्यूम करना पड़ता है, अन्यथा ये इसमें चोकिंग का प्रॉब्लम रह ही जाता है। और बात करें ये फिल्टर का, ये फिल्टर को आपको अच्छी तरीके से जांच लेना, और ये फिल्टर यूज़ करने से फ्रिज में जल्दी चोकिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो मोस्टली काम है वो संपूर्ण हो चुका है। अब इसमें अंदर जो है मेन काम है गैस भरना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस बॉटला लगाते हैं, इसमें R600 नंबर गैस है, इसलिए हम गोदरेज का वापरेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये हम गोदरेज का इसमें R600 यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम जैसे ही खोलेंगे इसके अंदर प्रेशर जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब गैस भर के हम बताते हैं आपको इसके अंदर कितना बैक प्रेशर होना चाहिए और ये क्या हमारा परफेक्ट कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे कंप्रेसर चालू करते हैं, हमारा धीरे धीरे जो है ये बैक प्रेशर जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जाके ये कहाँ पे रुकता है इसको हमको देखना है, क्योंकि जो इसके अंदर का बैक प्रेशर होना चाहिए वो 0 से लेकर 5 तक होना चाहिए। अगर जो 0 से लेकर 5 तक आपका बैक प्रेशर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझो आपका कूलिंग जो है होएगा। और यहाँ पे हमारा जो हीटिंग है कंडेंसर का वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मतलब एकदम मस्त कूलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, कि आपको 0 से लेकर 5 तक का टेम्परेचर जो है बैक प्रेशर जो है इसके अंदर रखना है। और ख़ास करके अगर जो आपका ऑयल जो है कंप्रेसर का वो काला निकल रहा है फ्लश करने पे, तो वो ऑयल आप चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कंप्रेसर का जब ऑयल चेंज हो जाएगा तो आपके कंप्रेसर बहुत स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑलमोस्टली काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ पे 5 रखा है बैक प्रेशर और यहाँ पे अब हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे, क्योंकि कैप लगाना अनिवार्य है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर का रबर खास करके ध्यान रखिएगा, कहीं ये रबर गिर गया तो आपको गैस इसके रास्ते से लीकेज हो सकता है। तो दोस्तों हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और कुछ ज्ञान सीखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब इसका हम कूलिंग चेक कर लेते हैं, किस तरीके से इसके अंदर जो है वो कूलिंग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कूलिंग भी चेक करने वाले हैं और देखते हैं कि इसका कूलिंग जो है परफेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम कूलिंग को चेक करेंगे। कूलिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा बर्फ आइस है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट तरीके से हमारा जो है कूलिंग, ड्राई कूलिंग होता है तो समझो बेहतरीन तरीके से आपका फ्रीजर जो है वो काम कर रहा है। अगर जो आपका मॉइस्चर कूलिंग होता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ लोचा है, इसलिए आपको ड्राई कूलिंग ही देखना है, क्योंकि ड्राई कूलिंग होगा तो ही परफेक्ट कूलिंग होगा और बढ़िया से कूलिंग होगा।
यहाँ पे मोस्टली कूलिंग जो है हमारा 5 मिनट हमने वेट करके देखा, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट जो है आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।